Guys, ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग है जी है, मैं बात कर रहा हूं हमारी एक्स यूवी सेवन डबलओ के बारे में स्पेसिफिकली हमने कंप्लीट किया पूरे एक साल इस गाड़ी के साथ और आज बारी है इसके वन ईयर एक्सपीरियंस शेयर करने की वैसे इस गाड़ी ने तेईस हजार ट्वेंटी थ्री थाउजेंड किलोमीटर कवर किया अभी तक एंड आज हम आपको बताएंगे हमारा माइलेज क्या था रनिंग कॉस्ट क्या था सारी चीजें अच्छी बुरी सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जिससे आप एज अ बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपने हमारी जर्नी फॉलो नहीं की है तो हमने ये गाड़ी ली थी फर्स्ट मार्च को और ये एक्स यूवी का ए एक्स सेवन लग्जरी पैक और ये है डीजल ऑटोमेटिक विद द ऑल व्हील ड्राइव वर्जन सो किस बात के लिए रुके हैं? लेट्स गो ऑल राइट गाइस तो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे विद द पॉइंट्स अगर आपने एक 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा अंदाजन आठ से दस हजार रुपए पर सर्विस पे सो so, जनरली गाड़ियों की सर्विस होती है दस हजार या पंद्रह हजार किलोमीटर में अगर आप ये कैटेगरी की सारी एसयूवीज देख लो एक्सयूवी सेवन का मेंटेनेंस के बारे में अब बात करते हैं देखिए मैंने तो एक्सपेक्ट किया था आठ से दस हजार रुपए इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल हर दस हजार किलोमीटर में।, तो में या एक साल में आपकी गाड़ी डीलरशिप ले जानी पड़ेगी दोनों में से जो पहले होता है तो एक्ससीवी सेवन डब्लो का पहला सर्विस एक हजार पे था क्योंकि वो एक चेकअप रहता है इनका रूटीन चेकअप तो उसमें कुछ पैसे नहीं लिए इट लिये तो फ्री उसके बाद हुआ दस हजार किलोमीटर पे नेक्स्ट सर्विस सर्विस में इन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया और डीई एफ डाला डी एफ जो है बेसिकली एक एक्स्ट्रा जाता है डीजल गाड़ियों में जो बी एस सिक्स वाली रहती है नॉट ऑल काफी सारी गाड़ियां जो बी एस सिक्स फेज टू रेडी अब से जो भी गाड़ियां आएंगी अप्रैल ऑनवर्ड्स 2023 में उसमें आपको डी एफ नाइनटी आएगा ही आएगा क्योंकि ये आपकी पॉल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है और डी एफ एक ऐसी चीज है मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा तो like right? तो like so, आया था ऑफ डीई एंड साथ में इंजन ऑयल चेंज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्स अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैच है वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी लेबर कॉस्ट नहीं लगा गाड़ी में क्योंकि पहले दस एंड बीस हजार सर्विस रहती है गाड़ी की उसपे आपको लेबर चार्जेस नहीं लगते हमारा so, टोटल भी नहीं किया था वैसे अगर आपको इसका डिटेल्ड इनवाइजिंग uh, देखना है मैं आपके लिए आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूं वहां जाके आप देख लो आपको सारे जवाब वही के वही मिल जाएंगे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर यहां पे मैंने एक नई चीज सीखी देखिए जनरली जो भी गाड़ी है ना उनका इंजन ऑयल चेंज दस हजार या पंद्रह इंटरवल रहता है उस पर रहता है बट इस गाड़ी का हमने पहले इंजन ऑयल चेंज दस हजार पे किया अब अगला इंजन ऑयल चेंज ट्वेंटी थाउजेंड पे है ही नहीं थर्टी थाउजेंड पे यानी कि इसका इंजन ऑयल बीस हजार किलोमीटर तक चलता है विच इज फैंटेस्टिक सो ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर्स का जब मैंने विथ यू हमेशा ऐप पे देखा ये वो ऐप है जो जब आप गाड़ी खरीदोगे महिंद्रा की आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया जाएगा लॉग इन वगैरह इससे क्या होगा आपको एक अप्रॉक्सिमेट कॉस्टिंग मिल जाएगी गाड़ी की के, आ, सर्विस ट्वेंटी थाउजेंड पे कितना आएगा थर्टी थाउजेंड पे कितना आएगा और साथ ही में ये भी बताएगा कि आप सर्विस बुक कर सकते हो आप अपना पेमेंट कर सकते हो तो ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर्स पे क्या हुआ उसमें उनका जो टोटल कॉस्ट था वॉज फॉर द ए फिल्टर सिर्फ एसी फिल्टर चेंज के बारे में उन्होंने मेंशन किया था अब हमने गाड़ी काफी चलाई थी दिल्ली थे तो काफी भगाया था गाड़ी को को। बॉम्बे-दिल्ली टोटल मिला के कॉस्ट था टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओनली जी हाँ बीस किलोमीटर में मैंने गाड़ी पे टोटल हमने पांच में रुपए ही खर्चे किए तो, वहां पे मेरा cost काफी होता था. तो मैंने एक और एक चीज एड करना चाहता हूँ माई प्रोडिक्शन फॉर दर्ड सर्विस विथ यू हमेशा आप पे दिखा रहे थर्ड सर्विस कॉस्ट का मेरा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव रुपीज आपने सही सुना सात हजार रुपए अप्रोक्सीमेटली अब इसमें इन्होंने डीई एफ का काफी हाई कॉस्ट दिया है। अब क्योंकि मेरा डीईएफ फुल पे चल रहा है और मेरा उतना यूज नहीं होगा तो जो ढाई पौने तीन हजार का इन्होंने कॉस्ट डाला है उतना हमारा कॉस्ट नहीं आएगा काफी हद तक इससे कम रहने वाला है सो so, एक वो चेंज आएगा लेकिन इसमें ब्रेक पैड्स का कॉस्ट ऐड होने वाला है क्योंकि हमने जब 20,000 पे गाड़ी सर्विस करवाई थी उन्होंने हमें कहा था कि 30,000 पे हमें ब्रेक पैड चेंज करने ही पड़ेंगे गाड़ी के तो मान लीजिए 10 से 12,000 मेरा टोटल बिल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ब्रेक पैड्स का कॉस्ट भी यहां गिनू स अगर मैं तीस हजार किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट देख लू गाड़ी का दैट इज स्टिल अबाउट या अबाउटी टू थाउजेंड रुपीजम ट्वेंटी बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये सर्विस कॉस्ट मेरा दस से बारह मैक्स पंद्रह जाएगा पंद्रह जाना नहीं चाहिए बट अगर मैं पंद्रह भी पकड़ लू प्लस पहले बीस हजार किलोमीटर का कॉस्ट देख लू तो वो 5 पांच हजार पांच साढ़े पांच हजार आता है सो ऑलमोस्ट बीस हजार का मेरा कॉस्ट रहा है Whereas, अगर आप कोई भी दूसरी गाड़ी ये कैटेगरी में तीस हजार किलोमीटर चलाते हो आपका, आपका रनिंग so, काफी अफोर्डेबल है एक चीज मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि बेसिकली अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो 700 या कोई भी बड़ी एस इन दिस कैटेगरी ऐसी बड़ी साइज की गाड़ी का ऑटोमेटिक लेते हो और आपकी ड्राइविंग सिटी ट्रैफिक में है, तो आप ज्यादा ब्रेक करते हो यू you नो know, ब्रेक चले ब्रेक चले ब्रेक चले तो इसे प्रेशर ब्रेक्स पे काफी ज्यादा बढ़ता है जिस वजह से ब्रेक की लाइफ कम होती है सो ऑन एन एवरेज अगर आपकी सिटी में रनिंग काफी ज्यादा है तो 15 से बीस हजार किलोमीटर तक आपका ब्रेक पैड जनरली चलना चाहिए हाँ अगर आपका यू नो रनिंग और अग्रेसिव है आप और अग्रेसिवली सिटी के अंदर ही मेजरली चलाते हो तो चांसेस ये है कि आपके ब्रेक पैड शायद और जल्दी फेड भी हो जाए वैसे हमारी गाड़ी का ब्रेक पैड थर्टी थाउजेंड किलोमीटर तक चल रहा है जस्ट फॉर योर रेफरेंस हमारी हाईवे पे एंड मेजरली हमने जैसे चलाते हैं, हम काफी स्मूथली चलाते तो इसी वजह से हमारा ब्रेक पैड एक्सपेक्टेड है कि थर्टी थाउजेंड पे चेंज हो जाएंगे मेंटेनेंस के साथ साथ माइलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए सो so, ये गाड़ी का वजन लगभग दो किलो है जितना ज्यादा वजन यानी कि उतना ज्यादा ताकत लगती है गाड़ी को खींचने को जितनी ज्यादा ताकत गाड़ी को दोगे उतनी ही माइलेज को वो अफेक्ट करेगी सो so, ये गाड़ी में आपको 185 एटी फाइव का पावर मिलता है और साढ़े चार सौ का टॉर्क आता है जो काफी ज्यादा है इस पूरी कैटेगरी में सो so, मेरे हिसाब से जो फ्यूल एफिशंसी मुझे मिल रही है इज अ लॉट मोर देन वॉट आई एक्सपेक्टेड मुझे शहर के अंदर अब देखिए मैं रहता हूँ नवी मुंबई में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं रहती है लाइट ट्रैफिक रहती है लेकिन मैं मुंबई एंड नवी मुंबई की अगर मैं मिक्स ड्राइविंग की बात कर लू तो मुझे लगभग 12 से 13 के बीच में एवरेज मिलता है तो साढ़े बारह का आप एवरेज एज लो पर अगर मैं हाईवे रन के बारे में बात करता हूं मेरे तो अगर मैं 100 120 के बीच में चलाता हूं तो मुझे 15 से 16 का एवरेज आता है बट अगर मैं प्यार से चलाता हूं 80 90 100 के बीच में तब मेरा माइलेज 18 तक गया है 17, 18 अब ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये ऑटोमेटिक है साथ में ऑल व्हील ड्राइव भी है तो इसका वेट भी बढ़ जाता है पीछे के पहियों को पावर भी देता है तो इन दैट केस फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी वहीं पे अगर आप इसे डीजल मैन्यूअल से कंपेयर करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा जाएगी जहां मुझे 17 18 आ रहा था यहां पे इसमें आपको 20 से 22 के बीच में एवरेज आ जाएगा और साथ में आपको क्या आता है जो डीजल आती है उसमें आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है उससे एडवांटेज क्या था कि अगर आप सिग्नल पे रुके हो, तो आपकी गाड़ी की इंजन अपने आप बंद हो जाती है तो इससे आपकी जो माइलेज है वो कही कहीं ना कहीं बढ़ ही जाती है अब जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट अब एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं गाड़ी की ज्यादा कुछ है नहीं बताने को मेन अबाउट कैसे मेंटेन करते हैं गाड़ी को सो so, अगर आप एक ब्राइट कलर लेते या ऐसे डार्क कलर लेते तो इन दैट केस आपको स्क्रैचेस क्वाइट इजीली दिख जाते हैं मतलब दूसरे भी हो देखो गाड़ी पे स्क्रैच लगा हुआ है Whereas, जो वाइट सिल्वर आते हैं वो ज्यादा ईजी रहते तो ये एक है कि लोग व्हाइट कलर जनरली गाड़ी प्रेफर करते हैं अब हमारी गाड़ी में ना हम कुछ पेंट फेड या कुछ बात कर सकते हैं इस पे एक पूरा PPF, प्लस हमने गाड़ी पे जिस वजह से आ कार वेरी वेल प्रोटेक्टेड और अभी भी काफी ग्लॉसी लगती है सो so, इस वजह से दर नॉट मच टू टॉक अबाउट एक्सटीरियर अब अगर मैं इंटीरियर दिखाऊं आपको इंटीरियर की बारी यहां पे आपको फुल बेज इंटीरियर मिलता है इट्स मोर ऑफ एट तो इस वजह से अगर वो मेला भी हो जाता है तो इसे करने में कोई नहीं। आप इजिली उसे uh, I mean, तो मैंने क्या किया था जो फ्लोर मैट है उस पर एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ मैटिंग लगा दी थी जिससे जो भी डर्ट मिट्टी जो कुछ भी रहेगा वो इजिली उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा राधा देन गेटिंग ऑन टू माई मैट ऑल्सो मतलब मैं थोड़ा ज्यादा एक्ट्राटे प्रोटेक्टेड और बारिश खत्म होने के बाद भी एक चीज और की है हमने अब हमने इस SUV को काफी लंबे सफरों पे ले गए जैसे बॉम्बे दिल्ली दो बार किया हमने और ऐसे नहीं कि एक दो जने गए पूरी टीम गई है वहां पे फिर से फुल्ली लोडेड कार इन दैट केस और उसके बाद हमने अजमेर ले गए गाड़ी पूना काफी बार गई गोवा में मतलब मैं हम दो लोग गोवा गए हैं इट्स 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 जस्ट बीन लॉट ऑफ ट्रैवल विद दिस कार उससे पहले हम एक्सवी7डब्ल्यू पेट्रोल uh, मुंबई से राजस्थान ले गए थे जवाई में सो so, काफी किलोमीटरस मैंने खुद ने एक्सवी7डब्ल्यू पे चलाया एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार परफॉर्मेंस की आपको दिक्कत होने ही नहीं वाली है सिटी में हाईवे पे पहाड़ पे ओवरटेक करना है फुल्ली लोडेड गाड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं आप आराम से इस गाड़ी में ओवरटेक कर सकते हो सौ एक सौ बीस मेंटेन करना इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है अब जो एक्सप्रेस वे आ रहे हैं इंडिया के वहां 120 की स्पीड लिमिट है वहां पे आप 120 पे गाड़ी आराम से चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू सो जो न्यू एक्सप्रेस वेज आ रहे हैं जो आगे चल के हमें हमारी ड्राइविंग और एनहेंस करेंगे आपको ये गाड़ी आपको चलाने में वहां बहुत मजा आएगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट द फ्रंट रियर सीट्स भी कंफर्टेबल है नॉट एवरी वन हुड्स जो फाइव सीटर भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक कंफर्टेबल चॉइस बन जाती है एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए मैंने काफी कुछ लोगों से सुना है क्रिटिक्स से सुना है रातर कि A जो है ना, इंडिया में नहीं चल सकता है। I think उन्होंने नहीं चलाई आप हाईवे पे A का जो फंक्शन है, specifically, is fantastic. मतलब अगर आपने कभी लॉन्ग ट्रिप रोड कभी नहीं गए बाहर लेटे आप मुंबई में, में रहते हो फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो एट द मोस्ट पूना बट अगर एक दिन आपको उठ के जाना पड़ गया दिल्ली या लेट से राजस्थान या 500 किलोमीटर आपको करने एक दिन में इन केस आप थोड़ा नर्वस हो जाओगे कि यार कैसे जाऊंगा मैं इतना नहीं चला एडास करता है like लाइक अगर आप हाई यू नो हाईवे पे चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे रोड पे टर्न है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा आपके लिए टर्न करने में आपको असिस्ट करता है साथ में आपका जो कन्वीनियंस फैक्टर है वो काफी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स आपको एज अ कार ड्राइवर जिन्होंने ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई है उनको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाते कि, हाँ यार मैं लंबे सफर पे जा सकता हूं आई कैन इजीली डू इट नो प्रॉब्लम इट एट ऑल सो ये चीज प्रस की बहुत जबरदस्त है और जब हमारे यहाँ इतने सारे नए एक्सप्रेस आ जाएंगे द गेम इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी गाड़ी में एडास हो मेरे एंड देन मुंबई टू दिल्ली लाइक जो एक्सप्रेस वे बन जाएगा दो आवर्स विल बी लाइक A आप सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल पे डालो गाड़ी को स्टीयर करते जाओ दैट्स अबाउट इट गाड़ी अपने आप ही चलेगी आपके लिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको उसको सिर्फ गाइड करना है your, uh, so, it's, it's और ये लोग जो एडास के बारे में बोल रहे हैं ना आप बस कुछ महीने रुको उनको एक बार एडास चलवा दोगे ना गाड़ी पे ओपिनियन इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली एंड एडास बहुत ही हेल्पफुल फीचर है और सिटी ड्राइविंग में एक और एक मेजर एडवांटेज इस गाड़ी में आता है कि ये गाड़ी बहुत ही लाइट है टू ड्राइव स्टीयरिंग व्हील एकदम लाइट फील होता है हमने हाल ही में एक ओनर से बात की थी वो बलेनो चलाते थे उन्होंने अब सेवन डब्लो पे अपग्रेड किया है एंड ही कम्स एंड टेल्स कि जो मेरी सेवन डब्लो है वो ज्यादा लाइटर है देन बलेनो उस, आ, मतलब उनकी वाइफ चलाती है इग्निस स्टिल ही फील्स कि सेवन डब्लो इज लाइटर देन एन इग्निस तो आप इमेजिन करो कितना आसानी से चलाना अगर आपने देखा मैंने ऑलमोस्ट एक हाथ से अपना स्टेयरिंग टर्न कर दिया लेन चेंज किया इट इज वेरी टू ड्राइव दिस कार तो बड़ी होने के बावजूद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा अरे यार गाड़ी बहुत हैवी है मुश्किल है चलाना बिल्कुल नहीं इट फील्स वेरी लाइट एंड निम्बल टू ड्राइव और आपको विजिबिलिटी भी अच्छी है आपको बॉनट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं जिस वजह से अगर आपने पहले बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है आपको दो चार दिन या मैक्स एक हफ्ता लगेगा टू गेट दैट लेफ्ट साइड का जजमेंट बट ड्राइविंग दिस कार इज सुपर कन्वीनियंट एक एरिया जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मिलते हैं सोनी के थ्री डी सराउंड साउंड सिस्टम वैसे सोनी हमेशा से जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए एंड हमने कभी मैंने तो पर्सनली सोनी के स्पीकर के, के अंदर एंड इस बार जब मैंने एक्सपीरियंस किया आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलती है स्पेसिफिकली जब आप लंबे सफर पे जाते हो म्यूजिक इज योर ट्रू पार्टनर राइट कितनी बातें करोगे तो म्यूजिक इज योर ट्रू पार्टनर वहां पे एंड जो ऑडियो क्वालिटी इज इनक्रेडिबल आप वैसे थ्री ऑफ करके भी सुन सकते हो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा कि थ्री डी एंड नॉन थ्री में कितना डिफरेंस फील होता है वैसे मैं एप्पल यूजर हूँ तो मेरे पास एप्पल कार प्ले काफी टाइम नहीं था चार से पांच महीने मेरे पास कार प्ले नहीं था जब हमने गाड़ी सर्विस करवाई तब हमें एप्पल कार प्ले मिला बाद में सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास एप्पल फोन है और आपको कारप्ले आपके गाड़ी में नहीं आया जरा डीलरशिप को कॉल करो क्योंकि दे आर गिविंग द एप्पल कार प्ले वेन यू आर गोइंग फॉर सर्विस तो जब आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है वो लोग एप्पल कारप्ले का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया हमने दोनों बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाया गाड़ी में एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आपका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफी एनहैंस हो गया सो इनिशियल डेज में जब कारप्ले आया था तो थोड़ा लैगी था अः uh, और कहीं ना कहीं थोड़ा ग्लिचेस आ रहे थे, थे सिस्टम में मतलब समझो पंद्रह बीस दिन में एक बार कभी कभार वो स्क्रीन में हैंग हो जाता था कारप्ले पे बट जब हमने इसको फिर से अपडेट करवाया था तब एवरीथिंग इज सॉर्टेड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी जो इम्प्रूव हुई है इज और ये आपको दिन में नहीं रात में ज्यादा करके स्पेशली पता चलेगा आज मोटर टेन हमारी खासियत है कि हम आपको हर चीज डिटेल में बताते हैं और ये फीचर आपके साथ कोई और शेयर ही नहीं करेगा मैं बात कर रहा हूँ प्योरली इस गाड़ी के हेडलाइन आप मेरे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो मैंने हेडलाइन के बारे में बहुत बात की है ये गाड़ी की जो हेडलाइट है जो थ्रो है इसका बहुत ही जबरदस्त है और कोई भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में उससे कंपेयर नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपको सारी LEDs है लो एंड हाई दोनों केसेस में तो सारी वाइट लाइट है अब देखिए खाली एलईडी होने से खाली प्रोजेक्टर होने से खाली हाइड्रोजन होने से फर्क नहीं पड़ता है फर्क पता है कहां पड़ता है जो उसका डिजाइन है उससे तो इसका जनरली थ्रो काफी अच्छा है इवन एट हाई बीम बट जैसे आप 80 के ऊपर जाते हो और आपकी लाइट हाई बीम पे है या फिर आपकी ऑटो एंड हाई बीम पे है तब आपका एक और एक बूस्टर लाइट चालू हो जाता है बियॉन्ड 80 जिससे आपको रोड एकदम क्लियरली दिखाई देने लगता है आई I मीन mean, एक सिंपल मैं आपको यू नो एग्जाम्पल देता हूँ हम जब मुंबई जवाई कर रहे थे अः सेवन डब्लो और हमारी तीन गाड़ियां और थी आ, उस टाइम पे सेवन डब्लो का हमने पीछे रखा हुआ था हमारी खुद की गाड़ी नहीं थी तब हम पेट्रोल चला रहे थे तो हमने सेवन डब्लो का सबसे पीछे रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत बेहतरीन लाइट दे रही थी जिसे सबको आगे क्लियरली दिखाई दे रहा था क्योंकि काफी जगह पे रोड पे थोड़ा सामने से लाइट बहुत आ रही थी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था इन विजिबिलिटी और साथ में इसमें आपको और बेटर विजिबिलिटी मिलती है वैसे बूस्टर लाइट्स में आपको ये बता दूं अगर आपने ऑटो एंड हाई पे रखा है और सामने से कोई गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिम कर देता है स्मार्ट लाइट से ये वरना जो सामने से आ रहा है उसकी आंखों में लाइट बहुत चुभेगी और कहीं ना कहीं

ऑल व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हम ये गाड़ी ऑलमोस्ट कहीं पे भी ले जाते हैं हमने काफी सारे ऑफ रोडिंग चीजें की है इसमें uh, जहां पे हमें रैकी करने जाना है कभी ड्राइव पे जाना है कहीं कुछ करना है सो so, ना केवल मैंने बट हमारे टीम के काफी मेंबर्स ने इसे कहीं ना कहीं ऑफ भी ले गए एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है जो गाड़ी का पावर टॉर्क है उसकी वजह से आपको स्ट्रगल बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है पर मेरा एक रिग्रेट अभी भी ये है कि मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा गाड़ी को ऑफ रोड नहीं करवाया आई विल टू डू मोर ऑफ इट देखिए अगर आप कहीं स्पेसिफिकली ऑफ रोड नहीं जाते हैं आपकी ड्राइविंग मेजरली रोड पे या टूटे फूटे सड़क पे एट द मोस्ट तो आपको ऑल व्हील ड्राइव की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आप वो uh, पैसे बचा के यू कैन अवॉइड दैट वे रिन टू बाय अगर आपका उसमें यूटिलाइजेशन है ही नहीं पर अगर आप ऑफ रोड काफी जाते हो गीली, मतलब रोड इज आपके लिए सेंसिबल बनता है। अब इससे पहले मैं आज का वीडियो एंड करूं मैं कहना चाहता हूं तो हमारी टीम का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ अब ऐसे नहीं कि जैसे मैंने खुद अकेले ने चला हमारी पूरी टीम ने गाड़ी चलाई ये गाड़ी और इट्स बीन यूज्ड काफी विगरेसली क्योंकि हमने काफी किलोमीटर किए गाड़ी पे साथ ही में और अलग अलग लोगों ने चलाया गाड़ी और जब बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं थोड़ा एक्सट्रीम तक टेस्ट करते हैं तो ओवरऑल जो उसकी रिलायबिलिटी है वो ज्यादा इजीली हम टेस्ट कर पाते हैं सो so, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जब भी हमारी टीम कहीं गई है हमने बॉम्बे दिल्ली ट्रिप किया है हमने मैं बॉम्बे गोवा लेके गया था पर्सनली हम काफी और जो ट्रिप्स किए रेकीज जो किए शूट से पहले बैठो इट फील सो कम्फर्टेबल कहीं भी यू कैन लिटरली गो एनीर इन कम्फर्ट एंड स्टाइल सो मेरे हिसाब से अगर आपको एक एसयू वी चाहिए इन दिस प्राइस पॉइंट और इवन जो इसका लोअर वेरियंट आते हैं जैसे ए एक्स थ्री ए एक्स फाइव अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है यू वांट अ बिग कार इन लाइफ एट दैट प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से एक्स यूवी सेवन के लोअर वेरियंट को भी आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाते हैं आपके लिए सो so गाइज ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द एक्स सेवन उम्मीद करता हूं मैंने एक साल का जो एक्सपीरियंस uh, था उसको कुछ मिनटों में या यू you नो know, आपके लिए uh, समेट के जो लाया हूं वो आपके काम आए एज अ कार बायर जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके क्या वाकई में मुझे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं मेरे तरफ से इट्स अ बिग येस आपको डेफिनेटली एक्स यू बी सेवन डब्लो कंसिडर करनी चाहिए अब अगर आपके पास और डाउट्स है कि मैं या कुछ और लियू मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इतना सारा ऑप्शन uh, मार्केट में आज अवेलेबल है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के ना अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो अब आप जानना चाहोगे ये कैसे होता है आपको जाना सिर्फ मोटरॉक्टेन डॉट कॉम स्लैश कार वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कर दीजिए और एक कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट अब ये लोग एक्सपर्ट्स कैसे इन्होंने सारी गाड़ियां एक्सपीरियंस की हुई है मैंने इन्हें पर्सनली ट्रेन किया हुआ है ऑन हाउ वॉट वेयर सारी चीजें जिससे आज वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके यूजेज के लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है अगर आप एक गलत गाड़ी ले, ले लेते हो आप यू नो यूल नॉट बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि हर गाड़ी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी चाहिए ऐसे नहीं होता कि बेस्ट गाड़ी कौन सी है या आ, ये बेस्ट है या वो बेस्ट है वो फंडामेंटल है ही नहीं गाड़ी वो सही है जो आपके यूजेज के हिसाब से सही हो एंड वो हमारी टीम आपको हेल्प करती है है ना बहुत ही आसान उससे और आसान पता है क्या है मोटरॉक टीम को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए इट राइड नाउ मैं जान ही रहा हूं डू इट राइड अवे एंड मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाई